माय लाइफ अपडेट्स चैप्टर 1। आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो शायद आप में से हर किसी के लिए नहीं है, स्पेशली एक तो मेरे लिए है, फ्यूचर केशव के लिए एंड मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए, कि मैं अपनी लाइफ की अपडेट देने वाला हूँ। आई एम जम्मू से MBA कंप्लीट किए, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है एंड आज ही मैं सोच रहा था कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपनी लाइफ की अपडेट्स इसमें डालना, मैं अपने लाइफ को दिखाना चाहता था व्लॉग्स के थ्रू। हालांकि व्लॉग्स तो मैंने छोड़ दी, तो आई थॉट ये लाइफ अपडेट वाला एक सीरीज बनाना तो बनता है। तो आज इस वीडियो में मैं फ्यूचर केशव को एंड आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पिछला 2023 में मैंने क्या किया, यानी कि मार्च 2023 में मैंने कंप्लीट किया MBA। उसके बाद अप्रैल 2023 से लेके अभी जुलाई 2024 तक मैंने क्या किया, मैं पहले बता देता हूँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि 4 जॉब्स चेंज हुई है या फिर सिमिलर चीज़ें कुछ हुई है मेरे साथ। बहुत सारे लोकेशंस चेंज हुई हैं, बहुत सारे मैंने ट्रैवल बहुत सारा किया है। मॉनिटरली बातें करेंगे, हर मंथली वाइज हम चीज़ चलेंगे। बहुत सारी मेरे साथ बुरी चीज़ें हुई हैं, मैं वो भी बताऊंगा। ये चीज़ें जान के शायद आप भी समझ पाओगे कि IIM से MBA करने के बाद, एक अच्छे बी स्कूल से MBA करने के बाद तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। तो देखो, मेरे जैसे और भी लोग जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप लोग भी समझ पाओगे कि IIM से MBA करने के बाद या फिर टॉप बी स्कूल से MBA करने के बाद आप किस तरह की लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 1-2 ईयर्स। हम स्टार्ट करते हैं मार्च 2023 से। थोड़ी वीडियो स्लो चलने वाली और लंबी होने वाली, पहले बता रहा हूँ। मार्च 2023 में मैंने IIM जम्मू से अपना MBA कंप्लीट किया। तब मेरे हाथ में एक डिसेंट जॉब थी, मुझे जैसी चाहिए थी एग्जैक्ट वैसी थी, पैकेज कम था बट ठीक थी, 12 लाख का पैकेज था उसका एंड मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी अगस्त में। तो मेरे पास 4 महीने थे, अप्रैल में जून जुलाई, ये 4 महीने मुश्किल जाने वाले थे। तो 4 महीने की वेट स्टार्ट होती है अप्रैल में। अप्रैल जाता है कुछ ट्रिप्स में, जयपुर का ट्रिप, मैं जयपुर जाता हूँ अपने फ्रेंड मुकेश के साथ ट्रिप पे। इसी मंथ में मेरे फ्रेंड एशले, उसके सिस्टर की शादी होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल फ्री रहता हूँ। फिर आता है जून। जून बहुत स्पेशल होने वाला था, क्योंकि जून में होने वाली थी हमारी कॉन्वोकेशन एंड मेरे फैमिली को शुरू से ही बहुत शौक था यार कि मेरा IIM में एडमिशन हो रहा है, तो मैंने सोचा था उनको कॉन्वोकेशन पर ज़रूर साथ लेके जाऊँगा। तो मैंने अपने पूरे फैमिली को नए कपड़े दिलाए, स्पेशली अपने पापा को उनका फर्स्ट बिजनेस सूट दिलवाया जो उन्होंने एक्चुअली अपनी शादी के बाद, यानी कि 25 साल हो गए, 25 साल के बाद अब खरीदा था। तो अपनी पूरी फैमिली को मैं जम्मू लेके गया था, फिर वहाँ कटरा गए, मैंने फिर कॉन्वोकेशन पे लेके गया एंड मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए एंड मेरे पेरेंट्स के लिए। क्या वो सच बताऊँ, जो हमारी फैमिली है उसमें मैं एक्चुअली फर्स्ट जिसने ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट किया था MBA तो दूर की बात। एंड कॉन्वोकेशन के बाद मेरे 2 फ्रेंड्स मेरे फाजिल का विजिट करते हैं, मेरी सिटी विजिट करते हैं एंड उनको अपनी सिटी दिखाता हूँ। तो अब मेरी कंपनी की ज्वाइनिंग में बचे थे सिर्फ 2 महीने। जुलाई का महीना तो बहुत मुश्किल जाता है वेट में, जुलाई के एंड में मैं नोएडा आ जाता हूँ। 1 अगस्त से मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग होने वाली थी, बट जुलाई में मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ होती है कि हमारी कंपनी ज्वाइनिंग डिले ही करती जाती है, कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर वो हमें इतना तक बोल देते कि आप अपनी फ्लैट्स ले लो, आप अपनी जगह देख लो एंड आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, काफ़ी जल्दी होने वाली है। तो जुलाई एंड तक हमें यही बोला जाता है अगस्त में कि कल आपकी ज्वाइनिंग है, बट इससे करते करते 1 वीक और निकल जाता है, सडनली हमें एक मैसेज आता है कि हमारे ऑफर लेटर ही रिवोक कर दिए गए हैं। यानी कि IIM में यार आपको पता है प्लेसमेंट्स कितने मुश्किल रहते हैं, प्लेसमेंट में बैठे हम, उसके बाद 4 महीने वेट किया, 5 महीने वेट किया, अपने यहाँ पे अकोमोडेशन भी ले ली, फ्लैट भी ले लिया, इतना खर्चा भी कर दिया, उसके बाद वो ऑफर लेटर रिवोक कर देते हैं। ठीक है, वो काफ़ी मुश्किल टाइम था, काफ़ी डार्क टाइम था, मैं अपना टाइम लेता हूँ अगस्त में। मुझे समझ गया था कि मुझे अब इस पर रिएक्ट नहीं करना है, मुझे एक एक्शन लेना है, मुझे प्लान करना है, मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाता हूँ। पहले तो अपने यार मैंने प्रोसेस करने के लिए ना 2-3 दिन लिए कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा चीज़ हो गया है एंड अभी इसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, इस पर मैं रिग्रेट करके या फिर कोस के कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले तो वीडियोज़ बनाई, आप लोगों के साथ शेयर किया, इसी तरह लाइफ अपडेट दिया, लिंक्डइन पे पोस्ट डाला, मुझे आप लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की। जब मेरा ऑफर लेटर रिवोक हुआ, मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि अब क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन तो उनसे बात भी छुपाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, कंपनी ने ऑफर लेटर रिवोक किया, बट मुझे फिर रुका नहीं गया, मेरे में बहुत टेंशन बढ़ रही थी। मैंने उनके साथ फिर शेयर किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि कोई नहीं यार, चिल रहे हम यहाँ पे, तो बस ढूंढ, हमें पता है तो कर सकता एंड ऐसा ही हुआ। एंड आपको बताऊँ, अगस्त एंड एंड सेप्टेम्बर में मैंने 3 इंटरव्यूज दिए, तीनों इंटरव्यूज मेरे क्लियर हुए, बट जब मैंने पहले 2 इंटरव्यूज दे दी थी मैंने दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली सेप्टेम्बर में। मैं उस कंपनी में जाने लगा, 2 वीक्स में गया था, काफी अच्छे लोग थे वहाँ, बट इसी बीच जो मेरा 3rd इंटरव्यू था वो भी अलाइन था, 3rd इंटरव्यू में देता हूँ और वो भी क्लियर हो जाता है। इस कंपनी का पैकेज भी अच्छा था, वर्क फ्रॉम होम था, वियतनाम की कंपनी थी, रोल भी अच्छा था। तो ये चीज़ मैं अपने करंट कंपनी में डिस्कस करता हूँ, मैं अपने स्टार्टअप फाउंडर्स को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि आई शुड गो देयर एंड मुझे मेरे करियर में वहाँ जाना चाहिए, ये मेरे करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल था। उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि मुझे जाना चाहिए, दे आर हैप्पी टू लेट मी गो। तो अक्टूबर 1st वीकेंड में मेरी होने वाली थी नई कंपनी में ज्वाइनिंग। आप नोट कर रहे हो, ये ऑलमोस्ट 3री कंपनी है, पहली ने रिवोक किया, 2nd
मैं 15 दिन गया, उसके बाद ये थर्ड कंपनी में जो ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड इसी बीच ज्वाइनिंग से एक दिन पहले मैं अपनी नई कार भी लेता हूँ। नई क्या, सेकंड हैंड कार थी, 2-2.5 लाख की कार, बट मेरे लिए मेरे दिल के काफी क्लोज है ये, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी लाइबिलिटी नहीं लेनी है ऐसे फालतू की। एंड मैंने कैश पे कार ले ली। एंड बताऊँ यार, लोगों के लिए बहुत छोटी कार हो सकती है, बट मेरी फैमिली की ये फर्स्ट कार है। इससे पहले हमारे पास कोई कार नहीं थी। कार छोड़ो, हमने कभी बाइक भी नया नहीं खरीदा है। हमारे पास सेकंड हैंड बाइक्स हैं, 2 स्प्लेंडर जो 2010 मॉडल है, वो भी हमने सेकंड हैंड लिए थे। तो ये फर्स्ट कार थी, इसकी अलग ही खुशी थी मुझे। इसके साथ साथ मेरी नई कंपनी थी, तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो अक्टूबर में नई कार नई कंपनी के बाद आता है तीसरी चीज, मैं ट्रैवल करता हूँ जमशेदपुर, एक्सेलराइज जमशेदपुर, जहाँ MBA क्रिएटर्स का फर्स्ट इवेंट होता है। मैं अपने बहुत सारे फेलो क्रिएटर से मिलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, अभिषेक जैन जिसको आप आयन गाय के नाम से जानते हो, अंकुशा पाटिल, हमारे राहुल सर, कैट किंग, अंशिका, मुग्धा, अमोल एंड शौविक। तो हमने बहुत मजा किया। मेरी खुशी तो भाई पीक पे थी अक्टूबर में। फिर आता है नेक्स्ट एक्साइटिंग मंथ नवंबर। नवंबर में क्योंकि हमारी आने वाली थी फर्स्ट सैलरी, हालांकि वो सैलरी कुछ 15-20 दिन की थी। तो यार मेरे पेरेंट्स की, स्पेशली मेरी मम्मा की, शुरू से इच्छा थी, मतलब बचपन से, कि मैं फर्स्ट सैलरी लाके उनके हाथ में दूँ। एंड उनको लग रहा था कि इस महीने तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि यार वैसी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही थी पिछले 6 महीने से। तो समझो मेरे पास जॉब ही नहीं थी, और मैं नोएडा में रह रहा था, यहाँ पे मैंने बहुत खर्चा कर दिया था, बट मैं जैसे तैसे करके मैनेज करता हूँ। एंड पूरी की पूरी सैलरी मैं अपने जाके पेरेंट्स के हाथ में दे देता हूँ। तो उनकी खुशी भाई वो भी नेक्स्ट लेवल थी। तो मैं स्पेशल फाजिल्का जाता हूँ, उनको ये पूरे पैसे उनके हाथ में रखता हूँ। वही दिवाली वाला वीक था, धनतेरस हम पहली बार खरीदा, इस बार वैसे हमने सिल्वर खरीदा है। नेक्स्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया 24 में मैं उनको कुछ गोल्ड का लेके देने वाला हूँ। एंड दिवाली हमारी बहुत अच्छी जाती है, फर्स्ट दिवाली थी यार सैलरी के बाद। एंड इसी मंथ में कुछ और चीज़ होती है, मेरा एक और फ्रेंड है सिद्धार्थ, उसकी सिस्टर की शादी होती है। उसके बाद मेरा फ्रेंड एक कैनेडा से आता है, हम ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद मिलते हैं। फिर दिसंबर में मैं 2 ट्रिप्स करता हूँ बैक टू बैक, हिमाचल में एंड उत्तराखंड में आई गेस। इसी बीच में आपको बता दूँ, मैं अपना फ्लैट ऑलमोस्ट 2-3 बार चेंज कर चुका था, क्योंकि जब मेरी जॉब हुई उससे पहले मैंने फ्लैट ले लिया था, फिर जॉब चली गई, मेरे को तो समझा था कि फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। तो फटाफट बाई चांस मेरा फ्लैट मैंने किसी छोड़ भी दिया, बट उसके बाद जॉब लग गई, तो बाई चांस मुझे वही फ्लैट मिल गया, उसमें कोई दूसरा रूम मिल गया। तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ ही, मतलब काफ़ी कुछ ही चला उन 3-4 महीनों में। उसके बाद आ गई जनवरी। जनवरी आते आते ना यार वैसे मैं बोर हो गया था, कि यार अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए थे मुझे वर्क फ्रॉम होम करते, काफ़ी बोरिंग हो गया था। मुझे था कि यार मुझे बस ऑफिस जाना है, काश मेरा ऑफिस होता। तो एक दिन ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बनी, मैंने सारा सामान पैक किया और मैंने अपना फ्लैट छोड़ के मैं फाजिल्का चला गया। फ्लैट में मैंने अपनी जगह अपने फ्रेंड को बुला लिया। अब फाजिल्का जाके मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, देखो ऐसा ऐसा है, मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को ऑफिस से काम करना है। तो वो समझे क्या, वो समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने बोला कि यार मेरे को वियतनाम जाना है 1-2 महीने के लिए। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, वैसे मेरे पापा मतलब डांट देते थे इन चीज़ों पे, बट उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, कि उनको पता था कि खुद के एक्सपेंसेस पे जा रहा है, बहुत पैसे लगेंगे, 1-1.5 लाख जो भी लगेगा, बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जा तू एक्सपीरियंस कर, तू सीख के आएगा। तो जनवरी में मैंने सब सामान पैक किया एंड प्लानिंग करने लग गया कि मैं अपने ट्रिप के लिए। जनवरी में मेरा फ्रेंड आया मुकेश, उसके साथ मैंने ट्रिप निकाला। एंड फरवरी में मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, 25th एनिवर्सरी, तो उसका भी उनको शुरू से शौक था, मुझे भी शौक था कि यार हम कुछ अच्छा करें। तो मैंने उनको गिफ्ट किया, मैंने पूरी फैमिली को एक रोड ट्रिप पे ले गया, पूरे 1 हफ्ते का, सालासर, जयपुर, वृंदावन, मथुरा एंड यहाँ सब, एक पूरे हफ्ते का ट्रिप निकाला। एंड 25th की एनिवर्सरी थी, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मैंने एक छोटी सी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की। एंड इन महीने में मेरा बहुत खर्चा हुआ, ये अभी तक फैब तक मेरा बहुत खर्चा हुआ। यार मुझे खुशी भी थी खर्ची, क्योंकि मैंने शुरू से सोचा यार कि एक बैलेंस होना चाहिए, तुम ठीक है इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, सेव करना चाहिए, बट तुम्हें फैमिली को भी खुश रखना चाहिए, तुम्हें ये पैसे से जो खुशी अगर तुम्हें मिल सकती है ना ये वाली, तुम्हें वो भी मेंटेन करनी चाहिए। अब आता है भाई मार्च, अल्ट्रा सुपर स्पेशल था, क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप यानी कि वियतनाम जाने की प्लानिंग थी मेरी। पूरा सब कुछ तो मैंने पहले ही प्लानिंग करके रख ली थी, आपको पता है जब मैंने जनवरी एंड पे पापा मम्मी से बात की। तो मार्च कंप्लीट में रहने वाला था वियतनाम में, उसमें मैंने डिसाइड किया था 2 हफ्ते में जाऊंगा ऑफिस, और उसके अगले 10 दिन मैं करूंगा ट्रैवल, जिसमें मैं 5 दिन ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। तो जो मार्च का टाइम था ना, बेस्ट टाइम रहा। एंड स्पेशल बताऊँ, जो 2 हफ्ते में ऑफिस गया भाई, वियतनाम का वर्क कल्चर बहुत प्यारा, बहुत प्यारे लोग, मेरा मैनेजर इतना अच्छा, मेरे कलीग्स इतने अच्छे, HR से मिला मैं, अपने इंटर्न से मिला, CEO से मिला, TRG इंटरनेशनल करके कंपनी में बताता हूँ, शाउट आउट उनको बहुत बड़ा, बिकॉज आई लव्ड द कल्चर, लव्ड द लोग। एंड वो जो 2 हफ्ते रहा, उसमें ही मैंने 3-4 हमारी आउटिंग्स हो गई, 3-4 पार्टीज हो गई ऑफिस की तरफ से, मतलब बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस। जो 2 हफ्ते मैंने हो ची मिन में स्पेंड किए, जो हमारा ऑफिस था काफ़ी ज़्यादा अच्छे एरिया में था, आई गेस डिस्ट्रिक्ट 1 में था, वहाँ पे रोज़ 2 फ्री ड्रिंक्स पीना, वहाँ पे रोज़ काम करना अपने इंटर्न्स के साथ, क्लिक्स का, बहुत अच्छा था, बहुत मुझे मज़ा आया। एंड मुझे समझ आ रहा है, तो बहुत मिस आउट कर रहा हूँ ऐसे,
ऑफिस ना आके। तो 2 हफ्ते खत्म हुए, देन मेरा बेस्ट फ्रेंड मुकेश वो आ गया वियतनाम, तो हम दोनों ने साथ में 10 दिन ट्रेवल किया वियतनाम में, A to Z चीजें, बहुत बहुत मजा आया, क्रेजी एक्सपीरियंस। 10 दिन हमने लगातार वियतनाम पूरा साउथ से लेके नॉर्थ तक ट्रेवल किया, हर दिन एक्साइटिंग था, हर दिन नई चीजें सीखी, हर दिन कभी बीच तो कभी क्रूज तो कभी आइलैंड्स, कायाकिंग कभी स्विमिंग, बहुत बहुत कुछ, बहुत मजा आया। मतलब ये ट्रिप मैं अपना कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। तो अप्रैल में वापस आया, एक हफ्ता तो वैसे ही रिकवर होने में लग जाता है, आपको पता है कि भाई अभी वहाँ पे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता है इंडिया में आ गया हूँ। और अप्रैल में मेरे भाई की शादी थी, तो पूरा महीना ही ऐसे निकल जाता है। बट इसी ड्यूरिंग ना यार मुझे समझ आ जाता है कि मैं ऑफिस ना जाके ना मैं बहुत कुछ मिस आउट कर रहा हूँ यार। वर्क फ्रॉम होम से ना, वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी चीज़ें स्लो चलती हैं, आप लोगों से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको सब चीज़ें धीरे चलती, किसी से बात करने से पहले मीटिंग शेड्यूल करो आप, मतलब वर्क कल्चर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो लोगों को रियल में इंटरेक्ट करने का। आप कोविड का टाइम याद कर लो, जब ऑनलाइन थे आप कितने लोगों से ये आखिरकार बात करते थे और किस तरह का आप फील करते थे। तो मुझे समझा, मुझे एक करियर में मेरी जो स्टार्टिंग है मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए, मुझे हाइब्रिड में या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस में मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने मन बना लिया था यार कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, कि मुझे मेरे लाइफ में वो टाइम आ गया है कि मुझे नई जॉब ढूंढनी चाहिए जहाँ मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर पाऊँ एंड इंडिया का वर्क कल्चर मुझे सीखना चाहिए। तो मेरी प्रिपरेशन में जाती है, मैं अपना CV बनाता हूँ पूरी मैं इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करता हूँ, अपने को स्किल्स करता हूँ, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी उनको मैं थोड़ा अच्छा करता हूँ। उसके बाद जून में कुछ हुआ है, आपको बता देता हूँ कि मैंने स्विच कर ली है अपनी कंपनी। तो यार ट्रांजिशन मुश्किल था, क्योंकि यार मुझे वो कंपनी छोड़ते हुए बहुत बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि ऐसा वर्क कल्चर मुझे इंडिया में मिल नहीं सकता। हालांकि चलो अभी नई कंपनी की जो कहानी है ना वो इसके चैप्टर 2 में बताऊंगा अपने लाइफ अपडेट की सीरीज में। आई होप आप इस वीडियो पे प्यार दिखाओगे एंड मैं उसमें आपको बताऊंगा, बट यहाँ एंड नहीं करते हैं। बट मैं आपको अपनी कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या प्रिपरेशन की, क्या स्विच किया, अभी कहाँ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ एक नई कंपनी में, तो कहाँ की कंपनी है, कहाँ है ये वो, और अभी मैं कहाँ हूँ तुम्हें तो पता नहीं, तुम्हें तो बस बैकग्राउंड दिख रहा है ना, तो हूँ कहाँ ये भी दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत सब चीज़ें दिखाऊंगा। हाँ एनीवेज, तो मैंने आपको बताया कि पिछले साल मेरा बहुत खर्चा हुआ है, अप्रैल तक मैंने बहुत बहुत खर्चा किया है, आपने देखा फैमिलीज के साथ ट्रिप, फ्रेंड के साथ ट्रिप, फॉरन ट्रिप, गाड़ी ली है, बट ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ एंड आप लोगों की सपोर्ट से मुझे स्पॉन्सरशिप्स आती है, मेरी एक साइड इनकम है। तो मैंने इन सब खर्चों के साथ साथ एक बेसिक सोच के रखा था कि 25,000 अपनी EMI दूंगा ही दूंगा, उसके बाद कुछ मैंने फिक्स सोच के रखा हुआ था कि अपने पेरेंट्स को दिया करूंगा एंड उसके बाद कुछ छोटा अमाउंट सेव भी करूंगा, सेविंग्स मेरी कम थी काफ़ी पहले, ये मैंने तब तक बैलेंस किया है। आई गेस फर्स्ट ईयर में जब आप जॉब करते हो आपका फर्स्ट साल आप इतना सब करके थोड़ा थोड़ा ही सेव करो, सही है, एक मैनेज करो। अब सेकेंड ईयर का मेरा टारगेट ये है, जब से मैंने जॉब स्विच की है इससे एक महीना पहले, यानी कि मैंने जून से डिसाइड किया था कि अब मैं सेविंग्स करूँगा अच्छे से, और अब मैं सेविंग्स ज़्यादा फोकस्ड हो गया हूँ, फालतू के खर्चे मैंने बंद किए हुए हैं एंड यस मैं पहले सोचता था यार कि अर्निंग इज़ द ओनली की, बट ऐसा नहीं है, अर्निंग इज़ नॉट द ओनली की, मैं इन्वेस्टिंग एंड उससे ज़्यादा ज़रूरी पहले सेविंग्स जाना चाहिए। तो इस साल पहले अगले 6 महीने मैं सेविंग सीखूंगा, फिर उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इन्वेस्टिंग भी सीखूँ, क्योंकि यार अब लाइफ है धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी जॉब की भी ट्रांजिशन है, बहुत कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता है। तो यस यार यही था एंड आई मस्ट से यार आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम हैप्पी जो भी मुझे मिल रहा है एंड यस यार फ्यूचर केशव जब तू ये देख रहा है तो भाई खुश रहे, जो भी है अभी मैं बहुत खुश हूँ, ग्रोथ हो तो फ्यूचर में भी खुश हो। आप लोगों को भी यार एक आइडिया हो गया होगा कि अगर अच्छे बी स्कूल के बाद आप MBA करते हो तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एक ऑनेस्टली बात बताऊँ यार, तो बहुत कम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, 1% शायद, अगर आप देख रहे हो तो आपको बताता हूँ। देखो हो सकता है आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, मैं एक्चुअली बोलूँ तो मैं भी एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, आपने मेरी कहानी सुनी होगी पहले, मैं वो वहाँ नहीं जा रहा, बट यार बताऊँ ऐसे एक अच्छे बी स्कूल से MBA करना, एक अच्छे कॉलेज से आप निकल के अच्छी प्लेसमेंट लेके निकलोगे ना, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। जो चीज़ें मैं अब कर रहा हूँ मैंने लाइफ में सच बताऊँ कभी सोची नहीं थी कि मैं से किसी दूसरे सिटी में अपार्टमेंट्स में जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ फ्लैट रेंट पे लेके रह पाऊँगा, कभी नहीं सोची थी फ्लैट लेना, मतलब मैं सोचा ही नहीं था यार, कैसे बताऊँ, मैंने सोचा हुआ था कि भाई 25-30 हज़ार मैं शायद कभी कमा पाऊँगा। तो ऐसे ऐसे यार मेहनत करते रहो, MBA IIM सिर्फ एक चीज़ है, तुम कहीं भी मेहनत कर रहे हो तुम मेहनत करो एंड गोल बड़ा रखो, अचीव कर सकते हो।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में, बाय बाय। एंड यार तुम 1% ही लोग यहाँ तक रुके हो, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना एंड कमेंट करना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था। एंड मैं तुम लोगों को मोटिवेशन देता हूँ, तुम भी मुझे दे देना इस बार। मिलते हैं, बाय बाय।